मैं हूँ कोमल और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है नेचुरल ब्यूटी विद कोमल। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में लेके एक प्रोडक्ट का रिव्यू है, तो मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल दूंगी और अप्लाई करने का सही तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो आप मेरे वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में बेल प्रेस जरूर करिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है। इससे पहले मैंने लेबॉर्न का सीरम का रिव्यू दिया था फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आज मैं ले आई हूँ ये स्टिक्स का हेयर सीरम है। और फ्रेंड्स, ये हेयर सीरम है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बस क्वांटिटी में डिफरेंट रखना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए, अगर बॉयज़ अगर इस हेयर सीरम को यूज़ कर रहे हैं तो ओनली वन ड्रॉप उनके लिए सफिशियंट होता है, और अगर जिस बॉयज़ के ज़्यादा हेयर लंबे होते हैं तो वन से टू ड्रॉप हेयर सीरम का ले सकता है, और इसके बाद अपने हाथ पाप में लेके और अपने बालों की जो लेंथ होती है उस पर लगाना है फ्रेंड्स। स्कैल्प पे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बॉटल में है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है, इसमें लिखा है विटालाइज्ड विद वॉलनट ऑयल। तो यानी कि जो हेयर सीरम बना हुआ है ये ऑलमंड यानी कि अखरोट के जो ऑयल से बनाया गया है। और इसके बाद में लिखा हुआ ए हेयर पॉलिशिंग एंड स्मूथिंग सीरम फॉर सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। सो और फ्रेंड, इसकी जो नेट क्वांटिटी होती है वो 100 ml की है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बता दूँ, तो फ्रेंड्स ये 10 अक्टूबर 2020 का है, और एक्सपायरी डेट है वो 9 सितंबर 2023 की है। और इसका जो प्राइस है फ्रेंड 210 rupees का है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है फ्रेंड, तो लोकल मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने इसे अमेजोन से मंगाया है, अगर आप मंगाना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी रियल रेट 210 है, और मुझे ऑनलाइन भी 210 में ही मिला हुआ है। फिर मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें लिखा है स्ट्रिक्स हेयर सीरम विटालाइज विद ऑलमंड ऑयल। और फ्रेंड, इसका यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। वर्क ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरम इन द पाम ऑफ द हैंड एंड अप्लाई इवनली थ्रू एंड डैम हेयर और री अप्लाई देन टाइम ऑफ डे फॉर एडेड साइन एंड फ्रीजी हेयर। तो फ्रेंड्स, आप इस हेयर सीरम को अपने हल्के गीले बाल होते हैं आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिए जो बॉटल है कुछ इस तरह के कैप वाले बॉटल में आती है। और आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा एक होल टाइप का बना हुआ है, तो जैसे ही आप इसको एक पंप दबाएंगे तो तुरंत ही ये ऑयल जो हेयर सीरम है ये आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जब आपकी हेयर डैम हेयर यानी कि हल्के जो सेमी वेट हेयर होते वैसे ही होंगे, तो आपको अपनी बालों की पूरी लेंथ पे ही लगाना रहता है। और याद रखिएगा, कभी भी कोई भी हेयर सीरम होता है वो बालों की स्कैल्प में नहीं लगाते हैं। अगर आप बालों की स्कैल्प में सीरम को लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो झड़ने लगेंगे। और सीरम का सिर्फ लगाने का एक मेन ही रीज़न होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो फ्रीजी होते हैं, टैंगल फ्री होते हैं, तो आप इजीली कॉम्ब करोगे तो कॉम्ब हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि इनकेस अगर किसी पर्सन को नहीं पता है और अगर वो गलती से हेयर सीरम का यूज़ कर लेगा तो फ्रेंड्स बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, अगर एक बार बाल झड़ना स्टार्ट हो गए तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो बस आप छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स है जिन्हें आप फॉलो करेंगे और आपके हेयर है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हेयर कुछ इस तरह के हैं फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा अपने बालों में अच्छा हेयर सीरम, अच्छा कंडीशनर और अच्छा शैम्पू यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी बस छोटे छोटे से ट्रिक्स यूज़ करेंगे और आपके बाल फ्रीज एंड टैंगल फ्री भी रहेंगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स इस बॉटल को देखिए, यहाँ से भी कैप ओपन हो जाता है, तो इस तरह भी बॉटल ओपन हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने अपने बालों को हल्के हल्के से गीले कर लिया है, और हल्का हल्का सा जब मैंने इसे अपने बालों को गीला कर लिया है, एक्चुअली मैंने अपने बाल बहुत पहले ही वॉश किए थे मॉर्निंग में, तो मैं इस हेयर सीरम का यूज़ ऑलरेडी पहले ही कर चुकी हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए बस मैं हेयर सीरम का यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से आप पाम में लेंगे, और ये देखिए इस तरह से जैसे ही आप एक बार दबाएंगे तो देखिए हेयर सीरम आने लगता है। तो आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा हेयर सीरम आप लेंगे, तो देखिए मैंने पाम में लिया हुआ है, और इस तरह से आप अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हेयर सीरम होता है अपने बालों के लेंथ में ही लगाते हैं, और बाल लेंथ में लगाने के बाद अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के